नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। पंजाब में अनेक स्थानों पर हथियार मिलने से संभवतः शरारती तत्व पंजाब का माहौल खराब करने व आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की फिराक में हैं, जिसके चलते हिंदू सुरक्षा समिति ने आज पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आतंकवाद का पुतला फूंका। लोगों ने सुरक्षा बलों की तारीफ भी की, जिनकी सतर्कता के चलते शरारती तत्वों के मंसूबों पर पानी फिर रहा है। पेश है संबंधी टीम एक्टिव न्यूज की एक रिपोर्ट। Leave a thumbs up if you like any videos, then subscribe the channel and press the bell icon to watch more latest videos very faster. आज दिन लगातार जिहड़े हथियार फड़े जा रहे ने पंजाब दे विच, ये बहुत ही एक चिंतापूर्ण विषय है। वैसे तो साढ़े जिहड़े पंजाब पुलिस के नौजवान ने या साढ़े जिहड़े इंटैलीजेंस सिक्योरिटी फोर्सिज ने बहुत ज़्यादा सतर्क ने कि जिहड़े असला आ रहा बाहरों वो फड़िया जा रहा है, पर फिर भी साड़ी लोगों नूं भी ये आह्वान है कि बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा जागरूक हो के इस चीज़ नूं रोकिया जाए। पाकिस्तान की यह साजिश है कि पंजाब नूं किस तरह नशे की गिरफ्त च लैके या आतंकवाद नूं पूर्ण जीवित करके हालात जिहड़े पंजाब च खराब किए जाण। नशे के सौदागरां नूं भी हिंदू सुरक्षा समिति की चेतावनी और खुला ऐलान है कि इन चीज़ों तो बच जाण। आतंकवाद जिहड़ा 2020 आ रहा है उन्हूं देखते हुए पंजाब का फिर कुछ जिहड़े गर्म ख्याली लोग ने वह हालात जिहड़े खराब कर रहे हैं पंजाब के। साडी यही चेतावनी है कि इन चीज़ों नूं नकेल पाई जाए और आतंकवाद को जिहड़ा पुनर्जीवन नहीं होने दिता जाएगा, क्योंकि कई लोगों के घर जिहड़े पिछे आतंकवाद जो बढ़िया उजड़े ने वो जिहड़े लोगों को पूछा जाए भी उन्होंने दर्द की है। हिंदू सुरक्षा समिति हमेशा ही आतंकवाद और नशे के खिलाफ डट के विरोध करती आ रही है और करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।